बैक टू माय चैनल, दिस इज साक्षी धुंजल और मैं रुकी थी गेवा रिट्रीट के साथ लद्दाख में, ले मतलब आई मीन ले में. सो सरप्राइजिंगली इट वाज अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी. मैं लिंक मेंशन कर रही हूँ बिलो अपने इंस्टाग्राम का, वहाँ पे प्रॉपर्टी का रील भी देख सकते हैं. तो आज की हमारी सवारी कुछ ये है, आज हम बलेरो में जाने वाले. दिस इज़ वेरी फर्स्ट टाइम मैं इसमें एक्सपीरियंस करने वाली हूँ. पहले मेरी मसल्स बहुत पेन है, पता नहीं कैसा होने वाला है. सो अनुपम से हम कुछ टिप्स लेते हैं. अनुपम कैसा रहा बाइक? हेलो, कैसा रहा बाइक का एक्सपीरियंस? बाइक का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था. आज के दिन हम लोग थोड़ा रेस करें, अच्छा कल फिर बाइक पे चलेंगे. कल फिर बाइक पे चलोगे? आज थके हुए हो, बॉडी एग्जॉस्टेड है हम दोनों की, हम बड़ी मुश्किल उठे हैं यार. है गाइस, तो ये बहुत हिलती है, बहुत ज्यादा टक 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 टक, अभी मजा आने वाले हैं. सो हमारा सामान कुछ रख दिया है पीछे की तरफ एंड दिस इज आवर सामान व्हिच इज पैक्ड हियर. नमन के कुछ ज्यादा ही बैग्स हैं. We are going to have a great experience in this. And our, आज हमारे ड्राइवर भैया चेंज होते हुए मैं ये प्रॉपर्टी का नाम गेरा गावा रिट्रीट. यहाँ बहुत ठंड है, हम लोगों को स्वेटर्स पहनने पड़ गए वापस. कहाँ हम हाफ स्लीव्स में घूम रहे थे, कहाँ हमने भी स्वेटर्स पहने हैं. हम हैं यहाँ पे तंगला पास में इस वक्त. तंगला पास की जो ऊंचाई है ये अनबिलीवेबल, इट्स नॉट 1G, द हाईएस्ट पास ऑफ द वर्ल्ड. सो फाइनली एंड करते हुए पांग में, पांग में हमने ब्रेक लिया है, पूरी कमर की ऐसी ऐसी हो चुकी है इस गाड़ी में हम लोगों की. एंड इसके साथ साथ यहाँ पे सरदार लोग हमारी आंटी के साथ जो कि मोमोज बनाती हैं, यहाँ पे उनकी छोटी सी शॉप है, वहाँ पे पिक्चर्स खिंचवाने वाला इनकी है उनके. एंड लेट्स गो इनसाइड एंड हैव समथिंग. आई एम गोना हैव मोमोज एंड राजमा चावल. आई एम डेस्परेटली हंग्री. आई एम हंग्री. रमन तुम पहले ही पहुँची है मुझे अकेला छोड़ के. दूसरी गाड़ी में कौन सी आ रही थी मैं, कौन सी दूसरी गाड़ी? लोगों को पता है हमें बस एक गाड़ी है. सो वी गॉट द मोमोज. दिस लुक्स गुड, खोल के दिखाना चलो. ठीक है, हाँ ये इसमें गोभी है और भी चीज़ें हैं, रेडिश वगैरह है, इट्स गोना बी टेस्टी. हम पहुँचते हुए सरसों से कुछ 30 किलोमीटर पहले. बहुत पोल्यूशन है ट्रक्स का, सच बता रही हूँ, बहुत ट्रक्स हैं. ये वही एरिया है जहाँ पे वो ट्रक ड्राइवर अटक गया था और पानी की सर्च में वो उसकी डेथ हो गई थी. एंड अगर आपको ये जगह नहीं पता तो ये आपके रास्ते में पड़ेगी अगर आप लेह लद्दाख जा रहे हो या लेह लद्दाख से वापस जा रहे हो. तो सरचू की तरफ जा रहे हैं अभी, तो हमें ये लोकेशन सरचू से कुछ 30 किलोमीटर पहले मिली और लोकेशन बहुत ही एपिक है. अगर आप यहाँ सरचू की तरफ निकल रहे हो तो ये लोकेशन बिल्कुल मिस मत करना. आई शो यू माय वीडियोस ऑफ दिस लोकेशन, वो बिल्कुल मिस मत करना. नहीं, यहाँ पे था नेटवर्क जो भी फाइनली रीचिंग सरचू. यहाँ नो नेटवर्क रेंज, हम रुक रहे टेंट में. सरचू में सारे ही टेंटों ने, यहाँ बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड. एंड रमन इज स्टिल इन द कार, ही इज कमिंग सामान उठा के. हाँ जी, ओके आई विल सी द रूम गाइस, लेट्स गो. दिस इज द रूम फॉर टुनाइट एंड लेट्स जस्ट सी हाउ इज द रूम. थोड़ा सा और खोलना पड़ेगा. इट्स गुड, इट्स गुड इनफ. कुछ और नहीं है, बहुत ठंड लगने वाली है, इसका मतलब कुछ भी नहीं है, कोई सॉकेट नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है. मोबाइल चार्ज कैसे होंगे कुछ नहीं पता. एंड सीरियसली सरचू में आप ये चीज़ ध्यान रखना कि आपके साथ भी ये इश्यूज़ हो सकते हैं. मैं लिटरली क्या ही बोलूँ. ओके फाइन, तो स्लाइट है, थैंक गॉड. कल यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा. दोपहर के 3 बजे से नेटवर्क बिल्कुल जा चुके थे. एंड ये फर्स्ट टेंट है, मेरा सेकेंड टेंट है. I'll just search for Raman and the material. Let's be big for the car. View बहुत marvelous है अभी तक, मतलब बहुत चमक रहा है, ऐसा नहीं लग रहा अंधेरा हुआ है, दूर दूर तक सब कुछ नज़र आ रहा है क्लैरिटी से. नॉट बिकॉज ऑफ लाइट ऑल्सो, बट ऑल्सो फॉर आई एम नॉट श्योर वाई, बट नज़र आ रहा है. सो नेक्स्ट टाइम बी प्रिपेयर फॉर कमिंग सरचू. रमन तुम अपनी टेंट में एंटर करते हुए, रमन तुम कितना खुश हो ना, नेटवर्क नहीं है दोपहर के 3 बजे से. अब रमन का टेंट. सो अभी मैं इनका मेन कॉमन एरिया गई थी, वहाँ पे चाय दे रहे हैं लोग, विदाउट एनी बिस्किट्स एंड ऑल. चलो कुछ तो दे रहे हैं, वेलकम ड्रिंक, मिडल ऑफ नोवेयर, बट आई रियली लव वांट टू हैव कैपेचिनो. सो दिस इज़ गिवन बाय माय मासी, आई हैव कैपेचिनो. इवन रमन भी कैपेचिनो पिएगा, ही डोंट वांट टी टू बी देयर. लेट्स मेक इट. पैकेट्स भी फूल गए ठंड की वजह से, बाय गॉड. अब तुम ले आए
ओके लेट्स पुट द वाटर प्लीज मेरे लिए भी कॉफी बना दो यार मैं तुम्हारे लिए बना रही हूं ऑलरेडी सो गाइस इनका ये खाने का एरिया है जिसमें हमें बफे सिस्टम है और यहां पे बहुत सारे लोग ऑलरेडी बैठ के सूप पी रहे हैं हम भी सूप लेने आए हैं पहले सूप ले लो सूप ये दे रहे हैं सूप भाई जी मनाली तो मैं पहली बार जा रहा हूँ देख लो अब तक से बोला।